अब आप मेरे चैनल पे आए गए हो तो आप लोग को ये टेंशन नहीं लेना है कि आप लोगों के पास कोई महंगा कैमरा होना चाहिए या महंगा लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसी क्रिएटिव मोबाइल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बताऊंगा जो कि आप अपने नॉर्मल फ़ोन से ही कर सकते हो। बिकॉज गाइस सभी लोग के पास तो कैमरा नहीं होता है एंड ना ही लैपटॉप होता है, बट आप अपने फ़ोन से बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो एंड एडिटिंग भी कर सकते हो एंड सोशल मीडिया पर धूम मचा सकते हो। सो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना है। एंड गाइस मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोग एक ही मैसेज करते हैं कि भाई मेरी फ़ोटो एडिट कर दो, मेरी फ़ोटो एडिट कर दो। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं लेके आया हूँ और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी का फ़ोटो एडिट होगा, बट इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को एंड में बता दूंगा कि कैसे सबका फ़ोटोज़ एडिट होगा। फिलहाल हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक पेज लेना है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एंड पेज लेने के बाद आप लोग एक छोटा सा वायर लेना है एंड पेज में अटैच कर देना है, कुछ इस तरह का जो वायर होता है वो ले लेना है। उसके बाद आप लोग को एक लाइटर की ज़रूरत पड़ेगी, लाइटर या आप लोग माचिस की मदद से आप लोग पेज को जला सकते हो। अगर फोटो में आप लोग पेज को जलाओगे तो फोटो में एक रियलिस्टिक लगेगी। उसके बाद आप लोग को पोज कुछ आगे हाथ करके देना है या आप लोग जो भी पोज दे सकते हो उस टाइप को आप लोग को पोज दे देना है। एंड फोटो क्लिक करने का एंगल आप लोग देख सकते हो, इस तरह से आप लोग को फोकस करना है पेज पे, देन फोटो को करना है क्लिक। फ़ोटो क्लिक करने के बाद देख सकते हो फोटो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लग रही थी। एंड इस फोटो में मैंने फायर अलग से ऐड किया है एंड ऑब्जेक्ट को मैंने टच रिटच एप्लीकेशन से रिमूव किया, यानी कि जो तार था उसको मैंने टच रिटच एप्लीकेशन से रिमूव किया है। एंड रिमूव करने के बाद मैंने पिक्सआर्ट में एक फायर का PNG लगा दिया है, जिस वजह से हमारी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है। एंड अगर आप लोग को ये PNG वगैरह चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर देना, मैं आप लोग को वहाँ से सेंड कर दूँगा। तो फोटो एडिट करने के बाद देख सकते हो फोटो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है। एंड हम चलते हैं अब नेक्स्ट पोज की तरफ। अब जैसा कि बारिश का मौसम चल रहा है तो उससे रिलेटेड ये फ़ोटो होने वाली है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को एक छाता ले लेना है। देन छाता लेने के बाद आप लोगों को सिंपली एक टेबल ले लेना है और टेबल पर सिंपली इस तरीके का बैठ के आप लोग को एक फ़ोटो क्लिक करवा लेना है। देन आप लोग को एक बैकग्राउंड का भी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना है। एंड बैकग्राउंड का फ़ोटो क्लिक करने के बाद पिक्सआर्ट में दोनों फ़ोटो को ऐड करके आप लोग को टेबल को रिमूव कर देना है, या आप लोग टच रिटच एप्लीकेशन से भी रिमूव कर सकते हो। देन रिमूव करने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। हालांकि इस फोटो में मैंने पूरा बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया था क्योंकि मेरे छत पे ये फ़ोटो शूट नहीं कर रहा था, और बैकग्राउंड चेंज करने के बाद देख सकते हो फोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर आप लोगों के छत पे अच्छी बैकग्राउंड है और फोटो के साथ शूट कर रहा है तो आप लोग बैकग्राउंड नहीं भी चेंज कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को ये कीचर का PNG चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM ज़रूर करना, आप लोग को मैं ये PNG दे दूँगा, देन ऐसी खतरनाक फ़ोटो एडिट कर सकते हो। और ऐसा लग रहा है इस फोटो में कि मानसून में लोग स्लिप करके गिर रहे हैं। तो फोटो कैसा लगा फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पोज की तरफ। जब ऐसा क्लाउडी वेदर रहता है तो मन करता है कि क्लाउड को हम अपने हाथों में रख लें, तो इस पोज में भी कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं, क्लाउड को हम अपने हाथों में रखने वाले हैं। फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग को एक वाइट कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, जो रुई होता है ना वो ले लेना है आप लोग को। रुई लेने के बाद ये फ़ोटो क्लिक करना बहुत ही ईजी है, जहाँ पर आप लोग क्लाउड ज़्यादा होगा वहाँ पर सिंपली आप लोग को हाथ को ऊपर करना है एंड आप लोग को रुई को वहाँ पर मतलब अटैच कर देना है, जैसा लगे कि हम लोग क्लाउड को पीछे खींच रहे हैं। ठीक है, क्लाउड को हाथ में रखे हुए हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और इस तरीके का करने के बाद आप लोग को फोकस करना है रुई पे, देन फोटो को कर लेना है क्लिक। फ़ोटो क्लिक करने के बाद इस फोटो को मैंने लाइटरूम में एडजस्टमेंट किया है, थोड़ा सा कलर करेक्शन किया है, स्काई का कलर थोड़ा सा एक्वा कर दिया है, जो कि फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने क्लाउड को हाथ में रखा है। आप लोग को ये पोज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पोज की तरफ। अब ये पोज वीडियोग्राफी होने वाले हैं। इस टाइप की वीडियो लाइक छोटे कैमरा जैसे GoPro वगैरह होती है उससे लोग करते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग फ़ोन से करने वाले हैं। तो सबसे पहला शॉट आप लोगों को एक बॉटल ले लेना है, जिसके पीछे से भी आप लोगों को कट कर देना है एंड ध्यान रखना है कि आप लोग को ट्रांसपेरेंट बॉटल ही लेना है। उसके बाद इसमें दो शॉट्स लेने होंगे। सबसे पहला शॉट जो होगा हम लोग जैसे पानी पीते हैं सिंपली उस तरीके का करना है और आप लोग को सिंपल वीडियो कर लेना है। देन उस तरह का वीडियो करने के बाद सेकेंड शॉट जो होगा हम लोग का, आप लोग को सिंपली नीचे बैठ जाना है, उसके बाद आप लोग जो ऊपर से कट किया था वहाँ से आप लोग को सिंपली पानी डालना है, उसके बाद बंदा पानी पिएगा एंड ऊपर से आप लोग को वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। देन रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग को दोनों वीडियो कोई भी वीडियो एडिटर एप्लीकेशन जैसे काइनमास्टर या कुछ भी हो, दोनों वीडियो को आप लोग को एक साथ ऐड कर देना है। देन ऐड करने के बाद हमारी वीडियो कुछ इस तरह की होगी।
ओके, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ, एंड कौन सा पोज आप लोगों को सबसे बेस्ट लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइज, जैसा कि मैंने बोला कि एंड में आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा कि सभी लोग का फोटोज़ कैसे एडिट होगा, एंड आप लोगों को चार्ज भी नहीं देना है। लेकिन गाइज, ये चीज़ मैं 1000 सब्सक्राइबर के बाद करूंगा, एंड मेरे जितने भी 1000 सब्सक्राइबर हैं वो अगर मुझसे एडिट करवाना चाहते हैं तो उन लोगों का मैं एक एक बंदे का फ्री में मैं फ़ोटो एडिट करूंगा, कोई भी चार्ज नहीं लूंगा। तो ये आप लोग के अंदर है कि आप लोग कितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट कराते हो, एंड मैं एक एक बंदे की फ़ोटोज़ एडिट करूंगा। तो फटाफट वीडियो को शेयर करो, एंड दोस्तों को बोलो यार सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, सभी दोस्तों को जो इंटरेस्टेड हैं या जो नहीं भी इंटरेस्टेड हैं उनको भी भेज सकते हो, क्योंकि मैंने जो आज वीडियोग्राफी बताई वो अपने ब्लॉग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो ब्लॉगिंग करते हैं तो मेरे चैनल पे ऐसी ही क्रिएटिविटी आती रहती है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय।